बड़ी खबर इस वक्त मिल रहा है उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम की जो ऊंचाई वाली चोटियां है वहां पर हिमस्खलन हुआ है। बर्फ की आप तस्वीरें देख सकते हैं, बर्फ को खिसकते हुए देख सकते हैं। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से कह दिया गया है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, तकरीबन एक हफ्ते पहले भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी केदारनाथ धाम की जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं जहां पर ताजा बर्फबारी बीते कुछ समय से हुई है। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मौसम पूरी तरह से खुल चुका है, श्रद्धालु सैलानी उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं अब। लेकिन इस बीच में केदारनाथ धाम की बिल्कुल ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। खूबसूरत पहाड़, अचानक बर्फ का कैसे सैलाब से जो इसमें आ गया, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा यहाँ पहाड़ों पर गिरती है और अत्यधिक होने की वजह से जो एवलांच है वो आता है, हिमस्खलन होता है, पहाड़ियाँ ज्यादा बर्फ का वजन सह नहीं पाती और उसके बाद ये बर्फ खिसकती चली जाती है और फिर कुछ इस तरह का नजारा होता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में। केदारनाथ धाम के बिल्कुल पीछे की तरफ आपको याद होगा 2013 की जून का वो महीना जब इसी जगह पर वो सैलाब आया था। इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए वो पानी बाबा केदार के मंदिर के इर्द गिर्द का जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको ध्वस्त करते हुए और कई जिंदगी छीनते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। लेकिन ये एवलांच आया, ये हिमस्खलन हुआ, हालांकि ये मंदिर से कुछ किलोमीटर पीछे की तरफ हुआ है। वैसे में मंदिर को कोई खतरा नहीं है, मंदिर से दूरी पर है और पीछे की तरफ एक पहाड़ भी है तो इस तरह से मंदिर पटक है। लेकिन आप बर्फ कितनी ऊंचाई तक आप देखेंगे कि बर्फ तो उठते हुए, ये बर्फ है, ये हिमस्खलन हुआ है।